कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधान परिषद की एक बैठक श्रीनगर में थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। इसके लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं। बैठक में विधायक दल का नेता सीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा होनी है। उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए एक संदेश भेजा गया है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम चुने हुए विधायक जो है उनकी एक बहुत जल्द एक बैठक अब शुरू होने वाली है। श्रीनगर में ये बैठक होगी और इसके लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी पहुंच गए हैं। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाना है, सीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चा होनी है। उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। पार्टी के सभी विधायकों और पार्टी में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए एक संदेश भेजा गया है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर प्रांत के उपाध्यक्ष सैयद मोहम्मद अखनू ने पुष्टि की है कि कुछ विजयी निर्दलीय जो पहले एनसी के साथ थे जल्द ही वापस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि आने वाले कुछ दिनों में नई सरकार शपथ लेगी। अखनू ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना नई सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के साथ उनके अच्छे संबंध होंगे। पार्टी की मीटिंग कुछ ही देर के बाद यहाँ श्रीनगर में होने वाली है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं सईद आखून साहब। ये प्रोविजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सूबाई वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, इम्पोर्टेंट मीटिंग आज, ये क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है? देखिए, मीटिंग से पहले कोई बात करनी अच्छा नहीं लगता है। मीटिंग में जो बात होगी उसके बाद हम प्रेस के सामने बात करेंगे क्या करना है, पार्टियों को किस तरह हुकूमत चलानी है, लोगों की उम्मीद पर उतरना है। जो लोगों ने अपने वोट जज्बाती तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, शेर कश्मीर की जमात को दिए, तो और उम्मीद यही है कि हमारी हुकूमत लोगों की उम्मीद पर उतरेगी। कुछ इंडिपेंडेंट जो आपके साथ थे, जिसमें शुपियां से, सुरंगकोट से, इस तरह से राजौरी से, इसी तरह से बाकी जगह, क्या वो भी आपके पास आ रहे हैं वापस इंद्रवाल से? वो वापस अपनी जमात में आएंगे। अच्छा, वो हमारे आज मीटिंग का हिस्सा बनेंगे? हाँ, आज मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। नहीं, आज नहीं मीटिंग का हिस्सा, उनके साथ रब्ता हुआ है, वो अपनी पार्टी में वापस आ रहे हैं। आप कंफर्म कर रहे हैं कि जितने भी इंडिपेंडेंट आपके साथ पहले, जो पहले आपके साथ थे, वो वापस आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, जो हमारी जमात से नाराज होके उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा वो सारे वापस आए। एक चीज, सतीश शर्मा जो हैं, जैसे सतीश शर्मा और दूसरे हैं रामेश्वर, क्या वो भी वापस आ रहे हैं? वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, हिंदू चेहरा है, क्योंकि उमर साहब ये कह रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट हमने जम्मू को भी रिप्रेजेंट, क्या उनको भी आप अपने साथ लाएंगे? अगर वो आएंगे तो हमारा कोई इतराज नहीं है। क्या जम्मू को रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे आप, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो गया, एक हुकूमत के सामने न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न बौद्ध होता है। हुकूमत के सामने हर एक जैसा होता है। जैसे उमर साहब ने कहा, हम जम्मू से बराबर वही सलूक करेंगे जो कश्मीर के साथ करेंगे। इलेक्शन खत्म हो गए, उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, किसी ने पीडीपी को वोट दिए, हमारी जमात इंतकाम गिरी से काम नहीं लेती है। सर, लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या इश्यूज मेन नई गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन, क्या स्टेटहुड सबसे बड़ा रहेगा, बहुत सारे इश्यूज भी हैं, क्या उन पे फोकस रहेगा? जब तक कि मरकजी सरकार स्टेटहुड वापस नहीं देगी तब तक ये हुकूमत बिल्कुल कमजोर हुकूमत रहेगी। लेकिन मरकज को चाहिए कि वो पूरी तौर रियासत को अपना दर्जा वापस दे, ताकि यहाँ के वजीर आला अपने काम ताकत से कर सके। न्यूज 18 से बात करने के लिए कैमरामैन आफाक के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज 18 श्रीनगर। और इस वक्त समीर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। समीर, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट मिल रहा है?
देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है तकरीबन 15 मिनट पहले उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला सबसे लेट में आए, उससे पहले जितने भी पार्टी के एमएलएज हैं जिन्होंने चुनाव जीता है, चाहे वो जम्मू क्षेत्र से हों या कश्मीर वैली से हों, वो यहाँ पे पहुंचे और कुछ इंडिपेंडेंट भी जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे फिर उन्होंने बगावत की और टिकट हासिल ना होने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट और वो चुनाव जीते और वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। हमें जो कंफर्मेशन है वो है जो सुरनकोट से हैं मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अकरम, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। उसके साथ प्यारेलाल जो है जो प्यारेलाल शर्मा जो कि इंद्रवाल से हैं, उनको भी यहाँ पे पहुँचना था। क्या वो पहुँचे या नहीं पहुँचे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जितने भी बाकी 42 एमएलए पार्टी के हैं जो चुनाव जीते हैं, चाहे वो जम्मू से, वो श्रीनगर से, वो कश्मीर वैली से, वो सारे यहाँ पे पहुँचे। और मैं आपको थोड़ा दृश्य दिखाऊंगा, ये नवाए सुबह जो पार्टी का हेडक्वार्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालांकि हमें मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो बाहर से आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सारे जो एमएलए हैं यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी वहाँ अंदर है। और उसके बाद जो हमें कहा जा रहा है कि तकरीबन एक घंटे के बाद यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पार्टी के लीडरों की तरफ से। ये एक महज एक फॉर्मेलिटी थी और जो हमारी एमएलए से बात हुई, जितने भी एमएलए से तकरीबन हमने कई एमएलए से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बस महज फॉर्मेलिटी है, हम उमर अब्दुल्ला जो है हमारे लीडर हैं, हम उनको एज ए लीडर मुंतखब करेंगे और उसके बाद वो एज ए चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे और उसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी एक अलायंस मीटिंग होगी एक दो दिन में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात होगी, उसको फाइनल किया जाएगा, उसके बाद राजभवन ये लोग जाएंगे और उसके बाद वो सेरेमनी अगले 3-4 दिन में होने की संभावना है। तो फिलहाल मीटिंग चल रही है, मीटिंग तकरीबन 15 मिनट पहले शुरू हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और मीटिंग से पहले जितने भी पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई, जिन नेताओं से बात हुई, उनका ये कहना था कि हम अच्छी सरकार देंगे। इस बारे में और अपडेट के लिए खबर काफी अहम है, इस पर आप नजर बना रखें।